उसके अलावा समझदार पे भाई राजे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जमाई के नियंत्रण में प्रणय हरे राम जनता में अंडर करंट चल रहा है। अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी संगठन या कोई भी लोग इसका विरोध करेंगे तो देश की जनता उन्हें समर्थन ये सरकार के लिए भी आवश्यक है, सरकार के बने रहने के लिए भी आवश्यक है। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट तंत्र है, ईवीएम में बटन तंत्र है। इसलिए जनसंख्या का संतुलित रहना भी आवश्यक है। इसीलिए आप सब लोग यहाँ आए हैं। आज कुछ लोगों ने हमने आपस में बात की है, भाई साहब का अगर अनुमति होगी तो एक बात, लेकिन अगर कुछ बात किसी कारणवश कम ज्यादा रही तो हम ये आज तय करके जाए कि जनवरी महीने में बहुत अच्छा दिन है, 26 जनवरी संविधान लागू हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले हम जितने जिलों से लोग आए हैं, जितने राज्यों से लोग आए हैं, हम अपने हर जिले में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोगों से इस पर हस्ताक्षर कराएंगे हर जिले से, और कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के लिए वहां से ये हस्ताक्षर करके भेजेंगे। 25 जनवरी को हम 25 जनवरी तक की डेडलाइन दे सकते हैं। आज जो जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही है, क्या आप लोगों की डिमांड भी यही है? जी। क्या डिमांड है, आप लोग कहाँ से आए हैं? जनसंख्या के नियंत्रण की डिमांड जी सबके लिए होना चाहिए, केवल एक जाति बिरादरी के लिए कानून नहीं है। अगर सबके लिए कानून पास हो जाए तो मानव जाति का सभी का कल्याण। अच्छा, तो आप लोग भी इस डिमांड के पक्ष में है? इस मांग के लिए तो आपने सरकार के समक्ष कोई पत्र जमा किया है इसके लिए? अच्छा जी, ठीक है। अपने यहाँ आही से कि डिमांड ऐसे अपना डिमांड किया से यहाँ जनसंख्या नियंत्रण करने अपना डिमांड आसे सरकार और पूरा की डिमांड आसे अपने की कोई से, ठीक है, थैंक यू। अपनी कोबा मैम बाय दो अपनर की डिमांड आसे अपने आसाम और पूरा आई से याते जंतर मंतर की डिमांड आसे अपना अपने हिंदुस्तान का, भारत का क्षेत्रफल, इसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। मैं इस समय जिस बात के लिए हम सब इकट्ठे आए हैं, देश भर से, जम्मू कश्मीर से भी लोग हैं, केरल कन्याकुमारी से भी है, गुजरात से भी है, नॉर्थ ईस्ट असम, और इसके बीच में जितने आते हैं, मैंने कोने बोल दिए हैं, समझ लेना चाहिए कि बाकी बीच में सब आते हैं। अगर एक एक कमरा बोलूंगा तो यही नाम गिनते गिनते भाषण खत्म हो जाए। समझदारों को इशारा बहुत है कि पूरा हिंदुस्तान आज इकट्ठा। मैं हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को प्रणाम करता हूं।